रतनगढ़ धार्मिक प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को प्यार भरा राधे राधे। कहते हैं दुनिया तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करती रही। जी हाँ, ये बात हम और आप सभी के लिए है। आपने संसार में एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है ईर्ष्या। आप सभी ने सुना होगा, आप सभी जानते भी होंगे और समय आने पर करते भी होंगे, क्योंकि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जो ईर्ष्या ना करे। एक ऐसा दुर्गुण है जो सब व्यक्ति में होता है, ना चाहते हुए भी, लेकिन इसका परिणाम अंत में बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या ना करें, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले की सोच यही रहती है कि मेरी एक आंख फूटे तो फूट जाए, परंतु पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था और भगवान शंकर का बड़ा भक्त। उसने भगवान शंकर की तपस्या करी और आप जानते हैं भगवान शंकर तो भोलेनाथ है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अमृत पीने वाले को देव कहते हैं और विष पीने वाले को महादेव कहते हैं। तो भगवान शंकर उस व्यक्ति की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसको दर्शन दिया। कहने लगे, पुत्र तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, अब कुछ वरदान मांगो। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और जैसे ही वरदान मांगने लगा, उसी समय भगवान शंकर ने कहा, लेकिन याद रखना, तुम जो वरदान एक मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को दो मिलेंगे। क्या? कि तुम जो वरदान एक मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को दो मिलेंगे। अब वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, महाराज ऐसा क्यों? भोलेनाथ जी ने कहा, देखो भाई, कलयुग है, कलयुग में ऐसा होता है, अगर लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसने सोचा कहीं एक वरदान से भी ना जाऊं, तो इसने कहा, महाराज अब तक तो मैं मंदिरों में भटकता रहा, कोई घर नहीं है, आप ऐसी कृपा करो बस एक घर मिल जाए। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। इस व्यक्ति के बड़ा सुंदर घर बन गया, लेकिन इसके तो घर बना एक और पड़ोसी के दो। अब जैसे ही अपने घर के बाहर निकले तो इसका चेहरा बड़ा उदास हो जाए। पड़ोसी की दो बिल्डिंग देख करके बड़ा दुखी होता, पर क्या करे। एक दिन फिर भगवान शंकर के पास गया, कहा, प्रभु आपने घर तो दिया, लेकिन आप जानते हैं अब घर की शोभा तो घरवाली से होती है,
भगवान शंकर समझ गए कि इसको शादी की मन में आ रही है। भगवान शंकर ने कृपा करी और उसकी शादी हो गई। अब इसके तो पत्नी आई एक, पड़ोसी के दो, क्या करें? भगवान शंकर की कृपा है। एक दिन फिर भगवान शंकर के पास गया, बोले महाराज बाकी तो सब ठीक है, पर कभी कभी मंदिर जाते हैं तो घर दूर पड़ता है, आप एक गाड़ी की व्यवस्था और कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं तथास्तु। अब इस व्यक्ति को गाड़ी भी मिल गई, लेकिन इसको तो मिली गाड़ी एक और पड़ोसी को दो। अब तो महाराज इसका चेहरा क्रोध में लाल पड़ गया। दो मकान, दो पत्नी, दो गाड़ी, गुस्से में आग बबूला हुआ और अब की बार क्रोध में भगवान शंकर के पास गया। जाकर के कहा प्रभु अब की बार ऐसा वरदान दीजिए, अब की बार ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। जैसे कहा भगवान शंकर तो भोलेनाथ, भगवान ने कहा तथास्तु। अब इसकी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी, और यही हुआ। अब फिर भगवान शंकर से बोला प्रभु बस अब एक काम और कर दो। भगवान शंकर ने कहा अरे प्राणी बेचारे पड़ोसी को अंधा तो कर दिया, अब कौन सा वरदान बाकी रहा? बस बोले महाराज एक घर के आगे कुआं और खुद जाए। भगवान ने कहा इतना दिया ये और सही, अब उसके घर के आगे तो कुआं खुदे एक और पड़ोसी के दो। इसने सोचा कि मैं तो एक आंख से देख लूंगा लेकिन पड़ोसी का पूरा कल्याण होना चाहिए। और जैसे ही उसका पड़ोसी अंधा तो था ही, घर के बाहर आता है तो कुएं में पड़ के स्वाहा, तो इसका नाम है ईर्ष्या। हमारी एक आंख फूटे तो जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों जानी चाहिए, इसे कहते ईर्ष्या। एक बड़ा भारी दुर्गुण है जो अपना भी विनाश करता है और औरों का भी करता है। कोशिश करें कि जीवन में कभी ईर्ष्या नहीं करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।